बम्बलबी की फोटो की जगह इसे डाल देते हैं। टैप डांस करते मंकी का जवाब नहीं। दुनिया भर की साइट्स पर बम्बलबी की तस्वीरें मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। 7 8 9 मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। 1 2 3 रुको, ये क्या है? एक साइबरट्रोनियन एस्केप पॉड। वो यहां धरती पर कैसे आया? ऑटोबॉट का है या डिसेप्टिकॉन का? इस फोटो में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, हमें छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई जाल हो। पहले ही एक ऑटोबॉट जख्मी है। व्हीलजैक से बात करके देखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। बल्कहेड इस वक्त चाहे लड़ने के लायक हो या ना हो, लेकिन व्हीलजैक ने मीको के साथ बदला लेने की जो हरकत की है, उसके बाद उससे दूर रहना ही अच्छा है। हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो। रैचेट, अपना मेडिकल किट साथ ले लो। ये शिप डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। पॉड में से इतने रिसेप्टिकॉन्स निकले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात होगी। हटो। क्या हुआ, डर गए क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? इसे पहले कभी नहीं देखा। एनर्जॉन पर हमला करने का आइडिया अच्छा था, है ना? सच कहूँ तो अच्छा होता, लेकिन तुक्के से तुम्हारा एक शॉट उस पर लग गया और धमाका हो गया। जो भी हो, काम तो किया ना। बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट, तुम्हारी बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यकीन नहीं होता, आप ऑप्टिमस प्राइम है। ये ऑप्टिमस प्राइम है। हम जानते हैं। बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है जांबाज? स्मोक स्क्रीन सर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है स्मोक स्क्रीन। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासकर आपको देखकर। अब क्या करोगे?
क्या इसे यूं ही अपने साथ बेस पर ले चलोगे? हम पहले भी कई बार बहरूपियों से धोखा खा चुके हैं। देखने से लगता है कि तुमने साइबरट्रॉन के एलीट गार्ड से ट्रेनिंग ली है। सही कहा, हालांकि मैंने जब उसे ज्वाइन किया था तो वो बस एक मामूली कैंप रह गया था। ना कभी इम्तिहान हुआ और ना ही कभी नंबर मिले, क्योंकि उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। मैं तो बस एक सिपाही बनकर ऑटोबॉट्स के मकसद को पूरा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आयाकॉन में सिक्योरिटी का काम दिया। काम मिला भी तो आयाकॉन हॉल में ऑप्टिमस, क्या ये इत्तेफाक तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्मोक स्क्रीन, आयाकॉन हॉल में तुम क्या काम करते थे? जंग के आखिरी दिनों में मैंने अल्फा ट्रायन की रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिसेप्टिकॉन की पिटाई करने का। सॉरी, लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और मेरे गुरु बन गए। मतलब हैलिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि हाई काउंसिल आपको प्राइम बना दे। राफ सुनो, ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। बस हो गया? इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गए? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। व्हील जैक के बाद पहली बार कोई नया ऑटोबॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक। तुम कहाँ पर थे? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे पास कितने ब्लास्टर्स हैं? तो क्या यही है वो जीव जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या सभी इनकी तरह ही हैं? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीको के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? एक डिसेप्टिकॉन एस्केप पॉड में। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? बड़े शक्की हो। उस वक्त लड़ाई आयाकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयाकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था, और मुझे इस बात की खुशी थी क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया। पर मैं भी एक गार्ड को चकमा देकर एस्केप पॉड में भाग निकला। वो एक लंबे सफर के लिए बनाया पॉड था जिसने मुझे स्टेसिस में डाल दिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां जमीन पर पाया। डिसेप्टिकॉन को पॉड का सिग्नल मिल गया होगा और उन्होंने उसे धरती पर बुला लिया होगा, इसीलिए डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन का स्वागत करने आए थे। उन्हें उसमें से एक ऑटोबॉट को निकलता देख दुख हुआ होगा। स्मोक स्क्रीन, तुम जानते हो आयाकॉन के बर्बाद होने के बाद अल्फा ट्रायन का क्या हाल हुआ? काश मैं जानता, पर मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। बस तो यही है मेरी कहानी। हाँ, वैसे जितनी शानदार होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, लेकिन आज से ऑप्टिमस प्राइम को मिलने के बाद मुझे यकीन है मैं शानदार चीजें कर पाऊंगा। मतलब अब इस जंग को खत्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी तरफ देखो बच्चे, इतना मुश्किल हो सकता है। स्मोक स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह से और यहां रहने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। बेस को देखने से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूं। मेरा मतलब जैक तुम्हें पूरा बेस अच्छी तरह दिखा देगा। इंसानों के पास फजूल जानकारियां देने के लिए बहुत वक्त होता है, लाखों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ बकवास भरी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी दिलचस्प है। ये क्या है?
बेचारे इंसानों को तो अंदाजा भी नहीं है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। रेड एनर्जॉन, अगर मुझे वो एनर्जॉन मिल जाए तो मेरी ताकत तो बढ़ेगी ही, मेरी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। फेस शिफ्टर, स्पार्क एक्सट्रैक्टर, इमोबिलाइजर, यहां पर उन साइबरट्रोनियन रेलिक्स को रखा गया है जो हमें यहीं धरती पर मिले, और इसमें से ज्यादातर वो रेलिक्स हैं जो आयकॉन हॉल में रखे गए थे। मुझे ये सब याद है। वो ये किस तरह की रेलिक है? उस तरह की जिसका तुम सामना नहीं करना चाहोगे। अगर तुम्हें मेरी जगह देनी ही थी तो व्हील जैक को दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले रहा बालखैर, मैं भी जानती हूँ स्मोक स्क्रीन नौसिखिया है। मतलब वो नौ ऑटोबॉट्स को सिखा सकता है? नौसिखिया का मतलब होता है कि उसे अभी काफी कुछ सीखना है। और जब वो सब कुछ सीख जाएगा उसके बाद क्या? हाँ, मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? बालखैर, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन यह भी सच है कि हमें एक और ऑटोबॉट की मदद की सख्त जरूरत है, इसीलिए बेहतर होगा कि हमारी टीम उसके साथ काम करना सीख ले, ना कि उसके खिलाफ। देखते हैं उसके मुंह की तरह उसका ब्लास्टर भी चलता है या नहीं, उतना शोर कौन सहेगा। सब लोग सुनो, जरा इसे देखो। क्या हुआ, फिर से बम्बलबी की कोई तस्वीर मिली क्या? ओह, ये तो रेड एनर्जॉन। यहाँ धरती पर रेड एनर्जॉन क्या होता है? एक बेशकीमती और ताकतवर एनर्जॉन का रूप। उसका रिफाइंड फ्यूल हमारी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा सकता है। हमें एजेंट फाउलर से कहकर वहाँ के सारे खोजकर्ता इंसानों को हटाना होगा, क्योंकि हमारे अलावा भी उसे कोई हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ये हुई ना बात, अब तो हम डिसेप्टिकॉन्स को आसानी से हरा देंगे। तुम्हारे कम तजुर्बे की वजह से मैदान जंग में जाने से पहले तुम्हें और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा पर उसके अलावा हम ऑटोबॉट्स इस प्लैनेट पर भेज बदल कर रहते आए हैं, तुम्हें भी पृथ्वी पर किसी गाड़ी का रूप लेना होगा, ताकि तुम किसी की नजर में ना आ जाओ, जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर कार बनना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेड एनर्जॉन मेरे हवाले कर दो इंसानों, क्योंकि तुम ताकतवर स्टार स्क्रीम के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या, कहां चले गए? नहीं, ये वाली कैसी है? ये रैचेट के लिए ठीक रहेगी, बहुत स्लो है। सीमेंट ट्रक? जरूर, अगर मैं कंस्ट्रक्टर कौन होता। क्या तुम्हारे प्लैनेट पर कोई जानदार कार नहीं बनती? बनती है, पर यहां पर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। फाउलर को इसे क्रेन से उतरवा तो देना चाहिए था। जरूर इंसान इस मिटियोर को किसी कार्गो शिप में डाल रहे होंगे, और तभी फाउलर ने उनसे ये जगह खाली करने को कहा होगा। वापस लौट जाओ ऑटोबॉट्स, क्योंकि उस रेड एनर्जॉन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रेड एनर्जॉन को हासिल करके हमें उसे वापस बेस पर ले जाना ही होगा।
लगता है तुम हमारी पिछली मुलाकात भूल गए हो प्राइम। रुकना मत बम्बलबी। ऑप्टिमस, क्या कोई परेशानी है? स्टारस्क्रीम रेड एनर्जॉन लेने आया है और मुझे डर है कि इस बार उसे रोकना नामुमकिन है। स्टारस्क्रीम? मैंने साइबरट्रॉन पर उस पंख वाले शैतान के कई किस्से सुने हैं। मुझे वहाँ भेजो डॉक्टर। ऑप्टिमस को बैकअप चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेगा। पर अब तो मेरे पास व्हीकल मोड भी है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतने ही जोर से गिरोगे। ऑटोबॉट्स, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऑप्टिमस, बताओ क्या हालात हैं? रैचेट, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ मैंने सुना और अनसुना कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें वहां भेजना ही पड़ेगा। स्मोक स्क्रीन कहां है? यही है वो। क्या हुआ, तुम अचानक यहां आकर ताका झांकी क्यों कर रहे हो? अब वक्त है तुम सबको मजा चखाने का। नहीं, संभल कर कहीं गिर ना जाए। इससे कहा था कि किसी की नजर में ना आए ऐसा रूप लेना। ऑटोबॉट्स को एक नया सदस्य मिल गया। तुम जरूर स्टारस्क्रीम होगे। मुझे लगा था तुम खतरनाक होगे। ऐसी तारीफ महंगी पड़ेगी। स्मोक स्क्रीन, रुक जाओ। तुम स्टारस्क्रीम के एपेक्स आर्मर का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? बस एक बार जोर से तुम्हें मारना चाहता हूँ। एक फेस शिफ्टर था ना, कमाल का प्लान। जो मेरा ना हो सका मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। नहीं, मैंने कहा था ना इससे हमारा काम बन जाएगा।
राचेट को लगा कि मैं रेलिक चोरी करना चाहता हूँ। अगर तुम अपना प्लान नहीं बताते तो मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं देता। इसे नियम कहते हैं। राचेट ने सही कहा। इस टीम के हर सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए, वही हमारी ताकत है। उसके बावजूद आज जो तुमने किया वो काबिले तारीफ है स्मोक स्क्रीन। तुमने ना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बल्कि अपने दिमाग का भी सही सहारा लिया। अब तो ये बहुत जल्द हवा में उड़ने लगेगा। माना कि ये एक एलीट गार्ड के समारोह जितना शानदार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा टीम प्राइम में स्वागत करता हूं। उसने अच्छा काम किया। फिक्र मत करो बल्क, उसमें तुम्हारी जितनी ताकत नहीं। सच में एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो जाए फिर वो स्मोक स्क्रीन भी जान जाएगा कि यहाँ सबसे दमदार ऑटोबॉट कौन है। बल्क हेड, वेलकम बैक सर। तुमने मेरे साथ क्या किया? वही किया जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई। मैं उनमें से एक हूं। मिक ने अपने बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से किया है। आपके दिमाग को रोबोट के नर्वस और स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। इंसान और मशीन का बेमिसाल मेल, क्या बात है। अपनी मेहनत से मेरा अधूरा सपना पूरा करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि जरूरत है मेरे जैसे ही बड़े साथियों की। कर्नल लीलैंड बिशप। बल्क हेड, तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए और मेहनत करनी होगी। हाँ बल्क, क्या तुम हमेशा यहीं पड़े रहना चाहते हो? कोई फायदा नहीं, तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब जब क्या जब सबको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। वो नया ऑटोबॉट उसी के लिए है ना। ए बल्क हेड, मैं सोच रहा था क्योंकि तुम जख्मी हो इसलिए शायद स्टार स्क्रीन से छीना हुआ ये आर्मर तुम्हारे काम आए। इसमें बहुत ताकत है। तुम मुझे अपाहिज समझते हो? बल्क हेड, मुझे इसकी जरूरत थी। रास्ते से हटो नौसिखिए। ये तो चलने लगा।
गुस्से में ये जल्दी ठीक हो रहा है। उसके चले पर नमक छिड़कना बंद करो। क्या तुम सच कह रहे हो रेफ? तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सजा दी है? बहुत बड़ी सजा। मैंने होमवर्क नहीं किया और टेस्ट में भी ग्रेड कम आए हैं। कम का मतलब एक ही जगह माइनस ही मिला होगा। मैं बेस में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगा हूँ। तुम फिर से फोन पर बात तो नहीं कर रहे? नहीं मामा, बम्बलबी को मेरा हाय कहना, और जब तक अच्छे ग्रेड नहीं मिलते मैं घर पर ही रहूंगा। एक मुश्किल हल नहीं होती कि एक और खड़ी हो जाती है। अजीब बात है, लॉर्ड मेगाट्रॉन, अचानक ब्रेकडाउन का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन आ गया है, लेकिन करप्टेड सिग्नल है। होशियारी से छानबीन करो, हो सकता है ये ऑटोबॉट्स की चाल हो। काश ऐसा ना हो। ब्रेकडाउन कई बार कमजोर पड़ा है, लेकिन वो पेंट शाइन करने में माहिर है। तुम इतने दिनों ब्रेकडाउन, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरे पास ऐसी चीज है जिसे देखकर मेगाट्रॉन का दिल खुश हो जाएगा, तो मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। ठीक 4:30 बजे मिलिट्री हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से एक सैटेलाइट को चुराया गया था। हमें पता चला है कि यह काम उस डिसेप्टिकॉन ने किया है जिसका नाम ब्रेकडाउन है। वो काफी दिनों से नजर नहीं आया। लगता है ब्रेकडाउन जब व्हीकल मोड में यहाँ आया था तब उसके साथ कोई और भी था। यानी कोई इंसान उसका साथ दे रहा है? और शायद मुझे पता है वो कौन है। जो सैटेलाइट चोरी हुआ है उसका नाम है डेमोक्लीस, जिसे बनाया था साइलस ने। मुझे लगता है कर्नल बिशप को अपनी चीज वापस चाहिए। लेकिन हमें लगा था साइलस अब नहीं रहा। मुझे भी यही लगा था। एजेंट फाउलर, मान लो अगर वो जिंदा है भी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैक डिसेप्टिकॉन के साथ मिल गया है? मुझे तो शक है कि मेगाट्रॉन कभी इंसानों की मदद लेगा। क्यों नहीं? इंसानों का साथ तुम्हारे काम तो आता है। ये तो सच है। नॉकआउट, ये क्या बदतमीजी है? इसे यहाँ क्यों लाए? मैं हूँ साइलस, यानी साइबरनेटिक लाइफ ऑगमेंटेड बाय सिम्बियोसिस। मेरे पास एक प्रस्ताव है। ये वही इंसान है जिसने ब्रेकडाउन के टुकड़े किए थे। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे हिसाब चुकता करने दीजिए। शायद तुम एक बात को नजरअंदाज कर रहे हो कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं जो ऑप्टिमस के पास है, कम से कम इस दुनिया में। और वो चीज क्या है? इंसानों का साथ। अपने आसपास देखो साइलस, मेरे पास इस वॉरशिप में एक ताकतवर फौज है। एक इंसान भला मेरे किस काम का? मैं कोई मामूली इंसान नहीं, और ये कोई मामूली हथियार भी नहीं। डेमोक्लीस एक पार्टिकल बीम कैनन है जिसमें इतनी ताकत है कि वो पेंटेगन को एक बर्थडे केक की तरह काट दे, या किसी भी पहाड़ को मिनटों में पिघला दे, वो भी एक सैटेलाइट के जरिए। ये एक कमाल का हथियार है जो मेगाट्रॉन के लिए ही बना है, जिससे मैं किसी पर भी कहीं भी हमला कर सकता हूँ। बिल्कुल, और इसका निशाना भी कभी नहीं चूकता। और इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? आपकी शिप पर एक अच्छी सी जगह। डिसेप्टिकॉन्स के पास सैटेलाइट जरूर है, लेकिन उन्हें इंटरफेस कोड की जरूरत भी पड़ेगी। उसकी सिर्फ एक ही कॉपी है जो कोलोराडो के हेडक्वार्टर्स के सर्वर में मौजूद है। हम किसी भी कीमत पर उस कोड को डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। तो फिर चलो। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है, और ना ही तुम लड़ने के लिए तैयार हो। अटेंशन, सारे सोल्जर्स इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। यहाँ पर रेडिएशन लीक होने का खतरा है। सब लोग सुनो, जल्दी वहाँ से हट जाओ।
डिसेप्टिकॉन्स हमसे पहले यहाँ पहुँच गए। हमें कमांड सेंटर को उनके हाथ लगने से रोकना होगा। ऑटोबॉट्स वहां पहुंच गए हैं। मेगाट्रॉन घबराओ मत। लॉर्ड मेगाट्रॉन, वॉरशिप से डेमोक्लीज को चलाने के लिए साउंड वेव का ऑनकोर्स को डाउनलोड करके लाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक साउंड वेव वहां पर है वो डेमोक्लीज को वहीं से चला सकता है। साउंड वेव, इसका एक नमूना दिखाओ। पीछे हटो। रैचेट, हमें बैकअप चाहिए। ठीक है, अभी आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम एजेंट फाउलर की मदद से डेमोक्लीज को वहीं से रोकने की कोशिश कर सकते हो? इस इंसानी कंप्यूटर नेटवर्क पर, वो भी बिना मेरे बैकअप के और बिना रैफ के? रैफ, तुम्हें दुनिया को बचाना है। ऑटोबॉट्स, हमें उसका ध्यान खींचना होगा ताकि रैफ अपना काम कर सके। मेरे ख्याल से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। रैचेट, तुम्हें मुझे भेजना ही होगा ताकि तुम आसानी से उनका शिकार बन जाओ। बल्कहेड, तुम अभी तक ठीक से हिलडुल भी नहीं सकते। पर ब्रेकडाउन लौट आया है, वो मेरा जानी दुश्मन है। मान जाओ, बच्चे तक मदद कर रहे हैं। ठीक है बल्कहेड, तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। यस, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहीं पर। सिस्टम में घुस गया हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं, फायरवॉल्स मजबूत हैं। कम ऑन रैफ, अगर वो इंटरफेस कोड डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लग गया तो डेमोक्लीज 24 घंटे आग बरसाता रहेगा। कोड मिल भी जाए तो क्या, सैटेलाइट के बिना कोड का क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। हर सैटेलाइट में मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स होते हैं जिनसे वो उड़ पाते हैं। अगर मैं नेविगेशन सब रूटीन में घुस गया तो पूरी सैटेलाइट ही तबाह कर दूंगा। बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, बाथरूम कहाँ पर है? क्या नहीं, मॉम ने देख लिया तो? रिलैक्स, मैं ट्रेन्ड हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चाहे निंजा से भी ट्रेनिंग क्यों ना ली हो, मेरी मॉम की नजर से कोई नहीं बच सकता। सिस्टम में कोई घुस आया है। साउंड वेव, घुस बैठिए को रोको। जैस्पर नेवारा, ये जरूर ऑटोबॉट्स के इंसानी दोस्तों का काम है। फिर तो तुम्हें जाकर उनसे निपटना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई सिपाही ये काम कर लेगा। जाओ। रास्ता साफ है, मैं जा रहा हूं। नहीं जा सकता। बाय बाय बदमाशो।
भेजने का आइडिया बढ़िया था रैचेट। मैं तुमसे मिलने को कब से बेचैन था, अचानक तुम कहाँ चले गए थे? सब्र करो वरना तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। तुम ब्रेकडाउन नहीं हो लेकिन तुम बल्कहेड ही हो और इस बार मैं तुम्हें अपने काम में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। साइलस, समझदार को इशारा ही काफी होता है। बल्कहेड, तुम मुझे सुन सकते हो? बल्कहेड, सबस्ट्रिंग कहाँ छुपी हुई है? हे रैफ, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। अब तुम में वो बात नहीं रही, तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, कमजोर पड़ गए हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। तुमने यहां आकर गलती कर दी ऑटोबॉट। असिस्ट करना, यही तो मेरा काम है। तुम भी नए हो और मैं भी, लेकिन आज तुम्हारे काम का आखिरी दिन है। वो सैटेलाइट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलस, तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं रोक सकते। साइलस, हमें कोड्स मिल गए, सीधे घुसपैठिए पर ही हमला कर दो। यही सही मौका है। ऑटोबॉट्स, कमांड सेंटर पर कब्जा करो। बस हो ही गया। रैफ, क्या बात है, वो हिल रहा है। मैं नहीं हिला रहा हूँ। गाइस, ये तो जैस्पर है। वो देखो, वो मेरा घर था। मुझे अपना घर दिख रहा है, ठीक निशाने पर। जल्दी करो रैफ। फुल थ्रस्ट अपॉन। राफायल होर्हे गोंजालेस एस्कोवेल, तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम ग्रुप स्टडी हैं। हाँ,
जल्दी बेस पर लौटो। लगता है किसी का प्लान कामयाब होने से पहले ही धुएं में उड़ गया। एक बात जानते हो, मैंने रेकर्स की हर एक लड़ाई के बारे में पढ़ा है। लगता है हमारी खूब जमेगी, क्या कहते हो? साइलस, तुम्हारे लिए मैंने शिप पर एक सही जगह चुनी है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, सुनकर बड़ी खुशी हुई। नॉकआउट की ऑपरेशन टेबल, ब्रेकडाउन होता तो खुश हो जाता। नहीं लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ डेमोक्लिस ही था और अब तो वो भी नहीं रहा, इसलिए दुश्मनों की तरह इंसान का साथ मेरे किसी काम नहीं आया। ये एक बढ़िया केस स्टडी बन सकती है। मैं एक एक तार को खोल कर जांच करूंगा। नहीं नहीं, मेगाट्रॉन, मुझे अपना गुलाम बना लो। नहीं 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 नहीं, एनर्जॉन का मजबूत सिग्नल मिल रहा है यहां से नॉर्थ की तरफ। लेकिन स्पीड लिमिट किस लिए? मेरे पास जो स्पीडोमीटर है वो 150 तक जाता है। अगर इंसान नहीं चाहते थे कि हम टॉप स्पीड तक पहुंचे तो उन्हें ऐसी कार बनानी ही नहीं चाहिए थी। रईस ज़ादे, लगता है तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे है, इसीलिए मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा। तो हो जाए। किसका दिमाग ठिकाने आया? हाँ, रिलैक्स बम्बलबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिल गया। उस आदमी ने तुम्हारी फोटोज को अपलोड करने में बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया। रैफ को नया घर मिलते ही वो इसे हटा देगा। क्या तुमने अल्फा ट्रायन के साथ काम करके कुछ नहीं सीखा? मेरे ख्याल से वो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। असली रूप दिखाने की इजाजत नहीं है। माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रैचेट और आरसी सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। हम? कैसे? हम तो वहां थे भी नहीं। ओह, बम्बल भी था। दरअसल हम बड़ी मुश्किलों को हल करने में इतने उलझे रहे कि हमने छोटी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जैसे स्मोक स्क्रीन को यह सिखाना कि इस प्लैनेट पर किस तरह रहना चाहिए। हमें इस गलती को जल्दी सुधारना होगा। ऑप्टिमस, आपसे ट्रेनिंग लेना गर्व की बात है और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा।
आपकी हर बात मानूंगा। शायद इंसानों की दुनिया के बारे में सीखने का सही तरीका होगा किसी इंसान से ही सीखना। स्मोक स्क्रीन को भी एक पार्टनर देना होगा। ओह प्लीज, क्या पहले ही तीन इंसान काफी नहीं थे? मैं नए नहीं पुराने साथी की बात कर रहा था। जरूर ऑप्टिमस, भेज बदलना, ट्रैफिक लॉ समझना, इंसानों को ना मारना, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। हम सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, ये जरूरी है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ऑप्टिमस बुरा मत मानिएगा, एजेंट फाउलर रैफ की फैमिली के लिए नया घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स उसका पता जान चुके हैं। ऊपर से स्मोक स्क्रीन ने उस व्हीकल को चुना है जिस पर बड़े बड़े 38 लिखे हुए हैं, जिससे उसे भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है। इन हालातों में मुझे नहीं लगता जैक उसके साथ सुरक्षित है। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे नए ऑटोबॉट की ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। मुझे यकीन है कि स्मोक स्क्रीन जल्दी सुधर जाएगा और जल्द ही इंसानों की सुरक्षा करने की अहमियत को समझ पाएगा। ओके, सिग्नल है, तुम्हें सब याद है ना? ग्रीन लाइट मतलब? मतलब चलो। और येलो का? और तेज चलो। स्मोक स्क्रीन। मैं मजाक कर रहा था। ओह, क्या हुआ? कौन है? डिसेप्टिकॉन्स? स्कूल का एक लड़का है जिससे मुझे बात नहीं करनी। चलो, रेड लाइट है, नहीं चल सकता। इतनी हिम्मत? छोड़ो, जाने दो। तुम कैसे इंसान हो? उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, हमें उसे सबक सिखाना होगा। हमें ऑप्टिमस प्राइम के नियम मानने होंगे जो कहते हैं ना सिर्फ इंसानों की सुरक्षा करो बल्कि उन्हें चोट भी मत पहुंचाओ। किसने कहा हम उसे चोट पहुंचाएंगे? इसे आज रात ही अपलोड करूंगा। आरसी, आरसी, विंस की कार की हालत देखो। उस बदमाश की? विंस से पूछना भूल गया क्या उसे और फ्राइज चाहिए या नहीं? तुम इसे क्या सिखा रहे हो? स्मोक स्क्रीन को इंसानों के बारे में जानना है, फास्ट फूड के बारे में नहीं। पहले इसे ट्रैफिक रूल्स सिखाए, उसके बाद थोड़ी मस्ती की। हाँ, इस फोटो को लेते वक्त किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तुमने अगले आयाकॉन रैलिक का पता लगा लिया? बहुत अच्छे साउंड वेव, हमारे जाल को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। मैं अगले आयकॉन रेलिक के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने ही वाला हूं। मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्टिमस। एक आयकॉन लोकेटर बीकन। ऐसा लगता है डिसेप्टिकॉन्स उस रेलिक को निकालने का काम शुरू कर चुके हैं। रैचेट, कोऑर्डिनेट तैयार करो और ग्राउंड ब्रिज को शुरू करो। तो चलो फिर, हो जाए। स्मोक स्क्रीन कहाँ है? जैक के साथ ट्रेनिंग पर गया है। हम रुक नहीं सकते। ऑटोबॉट्स, ट्रांसफॉर्म एंड रोल आउट। Thank you.
लॉर्ड मेगाट्रॉन। काश इस बार जो रेलिक हमें मिले वो डिसेप्टिकॉन्स का बनाया हुआ हो। ये नहीं हो सकता। इतना ताकतवर हथियार किसी भी कीमत पर ऑप्टिमस प्राइम के हाथ नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। निकल बाहर। ये चट्टान अटूट बन चुकी है। रेलिक ने प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई हुई है। ये सिर्फ प्राइम के हाथ लगने पर ही निकलेगा। अगर ये नहीं निकला तो हम पूरी चट्टान उठा ले जाएंगे। ऑप्टिमस, मुझे दूसरे आयाकॉन लोकेटर बीकन का सिग्नल मिल रहा है। ऑप्टिमस, क्या तुम सुन रहे हो? डिसेप्टिकॉन्स नजर नहीं आ रहे। मेरे बॉस की शक्ल देखने लायक थी। हमने उसके टेल पाइप में जो भरा था उसे क्या कहते हैं? पिज्जा। शोर मचाना बंद करोगे? आरसी, बल्कहेड, मेरी आवाज आ रही है? रैचेट, क्या बात है, क्या हुआ? हमें एक और आयाकॉन लोकेटर बीकन का सिग्नल मिला है, लेकिन ऑप्टिमस से बात नहीं हो पा रही है। मैं जाता हूँ। अकेले? तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? ठीक है। उसने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगता है मुझे वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना? मैं मीको कब से बन गया? चलो उस रेलिक को लाते हैं। वो एक तलवार है। कोई मामूली तलवार नहीं है। मेरे ख्याल से वो स्टार सेबर है, वो जबरदस्त हथियार जिसे सोलस प्राइम ने खुद बनाया था। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें मैट्रिक्स के जितनी ताकत है। इसे देखकर ऑप्टिमस खुश हो जाएंगे। वहां मत जाना। पर क्यों? क्योंकि मेगाट्रॉन भी वहीं है। वो शैतान भी यहीं है। आज तो दो दो जीत हासिल करूंगा। स्मोक स्क्रीन, रुको, कुछ गड़बड़ जरूर है। मेगाट्रॉन ने अब तक उस स्टार सेबर को निकाला क्यों नहीं? उसका हाथ दुख रहा होगा। मजाक मत करो, हमें बैकअप चाहिए। रैचेट ने कहा था इस वक्त बैकअप नहीं आ सकता। बस करो, अब उठाओ और ले चलो। Yeah!
अब टांग अड़ाने ये कौन आ गया? नहीं, ये तो निकल ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रैचेट, जल्दी ऑप्टिमस को यहां पर भेजो। स्मोक स्क्रीन रेलिक लेने गया था जिसका नाम है स्टार सिप। आज सब के सब कहां गायब हो रहे हैं? अब उसने क्या कहा था? स्टार सेब? ओ ये क्या? जैक, ऑप्टिमस जवाब दो। तुम्हारा सिग्नल अब तक ऑनलाइन है, फिर मुझे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे ही हम बीकन के पास पहुंचते हैं सिग्नल हट जाता है। चल चल कर मेरे घुटने ढीले पड़ रहे हैं। लगता है ये हमें भटकाने के डिसेप्टिकॉन की चाल थी। एक मुसीबत खड़ी हो गई है। उसे यहां लेकर आओ। तुम्हारा नाम क्या है ऑटोबॉट? क्यों, मेरे लिए रिश्ता लाए हो? ऑप्टिमस कहाँ है? रेलिक प्राइम के हाथ नहीं लगना चाहिए। बचा लिया तुम्हें। आरसी, तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसे लूज कर दिया था।
चट्टान को उस पर फेंको। ऑप्टिमस हट जाइए जल्दी। ये कैसे हुआ? नामुमकिन। वो ये भी कर सकते हैं? डिसेप्टिकॉन्स का अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। क्या लाजवाब चीज है, मैंने खुद अपने ऑप्टिक से देखा लेकिन अब तक यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतना समझाने के बावजूद तुमने एक इंसान की जान खतरे में कैसे डाली। आसिफ, इसकी कोई गलती नहीं, मुझे खुद। तुम तो मुंह खोलना ही मत, हम कल बात करेंगे। जैक को घर भेजो। बाद में मिलेंगे। हमें एक और ऑटोबॉट की जरूरत थी, एक और बच्चे की नहीं। देखो आरसी, मुझसे गलती हो गई, एक बार फिर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे टीम प्राइम से मत निकालना। इंसानों की सुरक्षा का ध्यान ना रखना या किसी भी और के, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? समझ गया सर। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्लैनेट पर हम सबसे ताकतवर हैं और इस ताकत का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना होगा। वो ऑप्टिमस, बात क्या है ऑप्टिमस? मुझे एक संदेश मिल रहा है। किसका संदेश? अल्फा ट्रायन से। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। ये सिर्फ प्राइम के हाथ लगने पर ही निकलेगा। हमें एक और आयाकॉन लोकेटर बीकन का सिग्नल मिला है। मैं जाता हूँ। स्मोक स्क्रीन ने उस व्हीकल को चुना है जिस पर बड़े बड़े 38 लिखे हुए हैं, जिससे उसे भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है। मुझे नहीं लगता जैक उसके साथ सुरक्षित है। स्टार सेबर है वो जबरदस्त हथियार जिसे सोलस प्राइम ने बनाया था। डिसेप्टिकॉन्स का अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मुझे एक संदेश मिल रहा है। किसका संदेश? अल्फा ट्रायन से। माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं आपकी समझदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज ऑटोबॉट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मुंह तोड़ जवाब? शायद तुमने देखा नहीं कि ऑप्टिमस प्राइम ने एक झटके में चट्टान के दो टुकड़े कर दिए। जब तक उसके पास स्टार सेबर है, मेरा दुश्मन हम सबको हंसते हंसते खत्म कर देगा। मुझे भी किसी तरह उतनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। हमारे पास भी तो पूर्वजों का शक्तिशाली रेलिक मौजूद है लॉर्ड मेगाट्रॉन। बिल्कुल, फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, लेकिन वो सिर्फ एक प्राइम के हाथ में ही काम करेगा। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे ऐसा ही हाथ चाहिए। ऑप्टिमस, अल्फा ट्रायन तुमसे क्या कह रहे हैं?
काश मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुना पाता ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे डर है कि आयाकॉन डिसेप्टिकॉन के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने इस संदेश को जंग के दौरान तैयार किया था। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो मुझे तसल्ली है कि स्टार सेबर इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। मेरे ख्याल से तुम अब तक समझ गए होगे कि सारे साइबरट्रोनियन रेलिक्स और डिसेप्टिकॉन हथियार उस अनजान दुनिया पर कैसे आए। उन्हें मैंने ही वहां भेजा था ताकि मैं उन्हें मेगाट्रॉन के शैतानी हाथों से दूर रख सकूं। तुम्हें भी इस बात पर यकीन होगा कि प्राइम्स के रखवाले आने वाले कल और गुजरे कल का हिसाब एक किताब में रखते हैं। मैं उसे पूरी तरह तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितना कुछ भी समझा हूं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसके पन्नों में लिखा है कि तुम ऑप्टिमस प्राइम एक छोटी पर बड़ी अहम दुनिया पर जाओगे और वहां तुम डिसेप्टिकॉन्स के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखोगे। मुझे पता नहीं वो लड़ाई कितनी भयानक होगी या उसे कौन जीतेगा। बस उम्मीद करता हूं कि पूर्वजों के बनाए रेलिक्स मुश्किल के वक्त में ऑटोबॉट्स के काम आए। अब सबसे जरूरी बात, कुछ ही देर में मैं आखिरी रेलिक्स का पता तुम्हें भेजूंगा जो अब तक के रेलिक्स से सबसे अहम और सबसे ताकतवर होंगे। आराम से ऑप्टिमस। क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या संदेश भेजा है? हमें जान दांव पर लगाकर आखिरी बचे चार रेलिक्स को हासिल करना होगा, उन ओमेगा कीज को। कीज किस लिए? हमारे अपने प्लैनेट को दोबारा जिंदा करने के लिए। धरती के चांद पर तो कुछ भी नहीं है, है ना? सही कहा ड्रेडविंग, लेकिन हम चांद पर नहीं जा रहे। एक स्पेस ब्रिज धरती पर। ऑटोबॉट्स को इसके ठिकाने का पता चल गया था, इसलिए मैंने इसकी जगह बदल दी। चांद के अंधेरे हिस्से में होने से इसे इंसान भी नहीं देख पाते और ये ऑटोबॉट की पहुंच से भी बहुत दूर है। आओ ड्रेडविंग, गैलेक्सी में उस जगह चलते हैं जहां से हमें वो साधन मिल सकता है जिससे हम प्राइम को खत्म कर सकते हैं। सामान बांध लो, हम साइबरट्रॉन जाने वाले हैं। हमें यकीन करना पड़ेगा बम्बलबी, हम सब वहां लौट कर जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ। तेल में नहाना याद है? मैं तो अपने प्लैनेट पर पहुंचकर सबसे पहले वही करने वाली हूँ। ये खबर मीको को देनी है और जैक को। ऑप्टिमस, चाबियां दरवाजे खोलती हैं, क्या वो पूरे प्लैनेट में जान भी डाल सकती हैं? वैसे तो मैं ओमेगा कीज की असली ताकत से अनजान हूं, लेकिन अल्फा ट्रायोन कई राज जानते थे और हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज का मॉडर्न साइंस पहुंच भी नहीं सकता। हमारे प्लैनेट का हाल तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। इस सब के जिम्मेदार वो ऑटोबॉट्स ही हैं।
वो ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइबरट्रॉन को दोबारा बसाने के लिए हमें ओमेगा कीज की जरूरत है। इसका मतलब उसमें से एक भी मेगाट्रॉन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अल्फा ट्रायोन के दिए 4 कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की जरूर मिलेगी। मैं उन्हें डिकोड ना कर लूं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा। हमारी अपनी दुनिया का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। एक कब्र। प्राइम्स की लाशों को इन्हीं में रखा जाता है। अब ये मत कहना कि तुम एक अंधविश्वासी हो। इस जगह को देखकर मेरे दबे जज्बात फिर उमड़ पड़े। मुझे अपने जुड़वा भाई की याद आ गई। फिर तो तुम्हें फौरन इसे खोलना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम स्काई क्विक और बाकी शहीदों का बदला ले पाएंगे। ऐसा बंदोबस्त कर रहा हूं जिससे तुम इसे आसानी से अपने पास रख पाओ। अजीब बात है, पर दिल कर रहा है कि मैं वापस लौटूं ही नहीं। किसे पता था कि हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ जाएगी। हाँ, मैं मीको को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हमारे दोस्त यहाँ हैं और परिवार भी। हम उन्हें SMS भेजा करेंगे। सच कहूं तो मैं इतने अरसे से लड़ रहा हूँ कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तुम दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देना। पूर्वजों की बनाई चाबी से भले ही साइबरट्रॉन में जान आ जाए, लेकिन याद रखना कि बर्बाद हुए शहरों को हमें ही बनाना पड़ेगा। अभी से इतनी उम्मीदें लगाना ठीक नहीं। पहले तो ओमेगा कीज को ढूंढना है और रिसेप्टिकॉन से पहले उन्हें हासिल करना है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑप्टिमस प्राइम के पास अब स्टार सेबर है, मेगाट्रॉन तो अब गया समझो। जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन, पर क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की चाहत नहीं। मैं आपको बेहोश कर देता हूँ। नहीं, मैं इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। आपकी मर्जी। ऑटोबॉट्स, मैंने उन 4 में से पहले कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया है। एक टीम वहां जाकर उसे हासिल करे ताकि उनके लौटने तक मैं दूसरे को भी डीकोड कर लूं। उस टीम में मैं हूं। कौन आएगा मेरे साथ? मैं आऊंगी। पहले आप सर। मैम। कमांडर, ये जोड़ी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, आखिरकार प्राइम्स की ताकत मुझे मिल ही गई। कि यही कहीं है। लोकेटर बीकन का सिग्नल नहीं मिल रहा, इसका मतलब रेलिक कहीं दबा हुआ है, शायद वहां। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम किसी भी रॉ मटेरियल से अपनी मनचाही चीज बना सकता है, और इस वक्त जो चीज बनाई जा रही है वो मेरे ख्याल से डार्क एनर्जॉन है। आरसी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जैक को जानबूझकर खतरे में नहीं डाला, मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए थी। आगे से ध्यान रखूंगा। बात सिर्फ जैक की नहीं है, टीम प्राइम किसी को भी खोना नहीं चाहती, ना इंसान को ना ही ऑटोबॉट को। मैं पहले ही अपने 2 पार्टनर्स खो चुकी हूँ, तुम्हारे साथ वही होता नहीं देखना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा,
एलीट गार्ड्समैन का वादा है। रुको, तुमने दो पार्टनर्स खो दिए? तुमने अगले आयाकॉन कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है। बहुत अच्छे साउंड वेव। इंसानों ने हमारे रेलिक पर इतने पत्थर रखकर काम और मुश्किल कर दिया है। तस्वीर देखकर लगता है यही होना चाहिए। चलो इसे हटाने में मदद करो। उस जमाने के इंसानों को लगा होगा कि ये की ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है। एक तरह से वो गलत नहीं थे। वो रेलिक मुझे दो। हम दो, वो अकेला। आज तो एक गया। रैचेट, ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। इस बार आयाकॉन के खजाने से हमारे हाथ क्या लगा है? चाहूं तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मुझे संदेश भिजवाना है। ऑप्टिमस प्राइम से कहना अगर उसे ये रेलिक चाहिए तो खुद आकर ले जाए। और स्मोक स्क्रीन इस तरह गिरा मानो जैसे वो मिट्टी में मिल गया हो। बेचारा आरसी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसकी जगह पर तुम भी हो सकती थी। मैं तो कहता हूं कि चलकर अभी मेगाट्रॉन की धज्जियां उड़ा देते हैं। नहीं, हम आज पहले ही एक ऑटोबॉट खो चुके हैं। मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। जो कुछ भी आरसी ने बताया उससे लगता है कि मेगाट्रॉन के पास भी स्टार सेबर जितना ताकतवर हथियार है, जिसका मतलब सिर्फ मैं ही उसके हाथों से ओमेगा की को ला सकता हूं। साइबरट्रॉन की किस्मत पूरी तरह उन्हीं कीज पर निर्भर है। मेगाट्रॉन इस बात से अनजान है। आओ और रेलिक ले जाओ, अगर हिम्मत है तो। ये सब क्या है मेगाट्रॉन? ये तुमने क्या किया? ये मेरे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है, जैसे कि फोर्ज ऑफ सोलर्स का इस्तेमाल करने में। मैंने सबसे पहले जो चीज बनाई वो बनी है यूनिक्रॉन के खून से। इसका नाम क्या रखूं? डार्क स्टार सेबर या फिर प्राइम का हत्यारा? Yeah.
आखिरकार हम दोनों को उतनी ताकत मिल ही गई जितनी ताकत ब्रह्मांड को बनाने वाले में होगी। मैं सिर्फ एक सिपाही हूं मेगाट्रॉन, और तुम अपने नापाक इरादों के गुलाम हो। मेरा डार्क स्टार सेबर एक ऑटोबॉट को खत्म कर चुका है, लेकिन इसकी प्यास बुझेगी एक प्राइम से। मैं आज यही सोचकर आया था रेलिक के साथ तुम्हारा सर भी लेकर जाऊंगा। तुम्हारा मतलब ये रेलिक? मैं इसे नहीं दूंगा। स्मोक स्क्रीन, वापस जाओ। Ratchet, ground bridge. Nahi! Tum chook gaye. भागो ऑप्टिमस, भागो। आया कौन के वो रेलिक्स तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस दुनिया को भी चीर सकता हूँ। स्मोक स्क्रीन? हाँ, और पहली ओमेगा की भी। लेकिन कैसे? तुम तो मेरे सामने ही। मैं अपने साथ फेस शिफ्टर ले गया था। फिर से ले गए थे? मेरे बड़े काम आया, उस तलवार की ताकत ने तो मुझे पत्ते की तरह उड़ा दिया था। उसी के असर से फेस शिफ्टर एक्टिवेट हो गया होगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। मैंने सही मौके का इंतजार किया और उसका फायदा उठाया। अच्छी चाल थी। तो मैं इसे रख लूं? वैसे भी ये हमेशा ही मेरे काम आता है। हाँ हाँ ठीक है। वाह, मेरा अपना हथियार। तुम्हें तो मिल गया, लेकिन ऑप्टिमस ने खो दिया। एक बार फिर अचानक बाजी पलट गई। भले ही ऑप्टिमस पूर्वजों से मिली ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक दिन के लिए ही कर पाए, लेकिन सबसे ताकतवर योद्धा बनने के लिए वो उसका मोहताज नहीं है।